वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो ऐसा CMTS 2019 में टोटल आपके एग्जाम 39 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 8/8/2019 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतने सीटों में SSCMTS 2019 के एग्जाम कराए गए थे, जिसके 2/8/2019 के शिफ्ट 1 से लेकर के आपके 8/8/2019 के शिफ्ट 1 तक के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 8/8/2019 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि अनिल 4 दिन में 20 बैग बना सकता है तथा मनोज 5 दिन में 10 बैग बना सकता है। तो अनिल तथा मनोज दोनों मिलकर एक दिन में कितने बैग बना सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे कि अनिल जो है एक दिन में कितने बैग बना सकता है। तो अनिल जो है कुल मिलाकर कितने बैग बनाता है, 20 बैग बनाता है। और कितने दिन में बनाता है, तो 4 दिन में बनाता है। तो अगर टोटल बैग को कुल दिन से भाग कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एक दिन में अनिल कितने बैग बनाता है वो हमें पता चल जाएगा। तो 4 से 20 जाएगा तो कितने बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। यानी कि अनिल जो है एक दिन में कितने बैग बनाता है, तो 5 बैग बनाता है। अब हम लोग निकालेंगे कि मनोज एक दिन में कितने बैग बनाता है। तो मनोज टोटल कितने बैग बनाता है, तो 10 बैग बनाता है। कितने दिन में बनाता है, तो 5 दिन में बनाता है। अगर टोटल बैग को कुल दिन से भाग करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एक दिन में मनोज कितने बैग बनाता है वो हमें पता चल जाएगा। तो 5 से 10 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में। यानी कि यहाँ पर से पता चलता है कि मनोज जो है एक दिन में कितने बैग बनाता है, तो 2 बैग बनाता है। तो यहाँ पर अनिल एक दिन में 5 बैग, मनोज एक दिन में 2 बैग। तो जब दोनों मिलकर के बनाएंगे बैगों को, तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितने बैग बनाएंगे, अनिल जो है एक दिन में 5 बैग बनाता है, मनोज 2 बैग बनाता है। तो दोनों मिलकर 5+2 यानी कि 7 बैग बनाएंगे, मनोज और अनिल मिलकर एक दिन में 7 बैग बनाएंगे। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक आदमी पी से क्यू की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तथा क्यू से पी की ओर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। तो आदमी की पूरी यात्रा की औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है, जब कोई भी व्यक्ति समान दूरी जाता है और उतनी ही दूरी वापस आता है, तब आपसे औसत गति यानी कि एवरेज चाल पूछा जाए, तो उसका एक फार्मूला होता है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। तो फार्मूला क्या होगा, 2 × V1 × V2 बाई आपका क्या हो जाता है, V1+V2 होता है। यानी कि V1 आपका क्या हो गया, पहली गति, और V2 आपका क्या हो गया, दूसरी गति। यानी कि पहला स्पीड प्लस और V2 आपका हो गया दूसरा स्पीड। तो फॉर्मूला पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 × V1 यानी कि पहला स्पीड कितना है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि P से Q तक जो है कितने की चाल से गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और वापस यानी कि दूसरा जो है चाल कितना है, वापस जो आया 90 किलोमीटर प्रति घंटा से आया। नीचे क्या हो जाएगा, दोनों चालों का योग हो जाएगा, यानी कि 60 और 90 का योग कितना होगा, तो 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। नीचे हल करेंगे यहाँ पर, तो 30 × 60 30×150 आपका हो गया। 5 से 90 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 18 बार में। यहाँ पर गुना करेंगे तो 18 × 36 36× आपका कितना हो गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपकी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई उस आदमी की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा, लाइक करना कंपलसरी है, तो लाइक कर दीजिएगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। यदि अक्ष के रूप में आयत को उसकी चौड़ाई के बारे में एक पूर्ण घूर्णन दिया जाता है, तो वह आयतन
आयतन क्या है जिसके माध्यम से आयत जो है घूमता है। तो पहले जो है क्या एक आयत बोला गया कि एक आयत है जिसकी लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 12 सेंटीमीटर है। तो इसे जो है घुमाया जा रहा है, किसे? चौड़ाई को पकड़ कर घुमाया जा रहा है। तो चौड़ाई को पकड़ कर जब घुमाया जाएगा तो इस आयत को क्या बना दिया जाएगा? एक जो है आपका सिलेंडर यानी कि बेलन बना दिया जाएगा। जब इस आयत को घुमाया जाएगा तो क्या बना दिया जाएगा? एक बेलन यानी कि एक आपका सिलेंडर बना दिया जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया? ये मैंने आपका सिलेंडर यानी कि बेलन बना दिया। तो ये जब चौड़ाई के हिसाब से घुमाएगा तो इस सिलेंडर का हाइट क्या हो जाएगा? इस सिलेंडर का हाइट वही होगा जो इस आयत की चौड़ाई थी, यानी कि सिलेंडर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। और इसका जो ये जो आपका 15 सेंटीमीटर है और जो इसकी त्रिज्या होगी वो क्या होगी? ये जो आपका 15 सेंटीमीटर लंबाई था वो इसकी क्या बन जाएगी? त्रिज्या यानी कि रेडियस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इसकी त्रिज्या बन जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर से क्या पूछा जा रहा है कि इसका जो है आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होगा? तो किसी भी सिलेंडर का यानी कि किसी भी बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मूला पे क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पर पाई को क्या लिख सकते हैं? 22/7। त्रिज्या आपकी कितनी आई? 15 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर है तो 15 को क्या करेंगे? 2 बार गुना करेंगे। यहाँ पर पाई को जो है, पाई को यहाँ पर तोड़ना नहीं है क्योंकि पाई जो है सभी आपका क्या दिया गया, सभी ऑप्शनों में पाई दिया गया। तो यहाँ पर पाई रहने देंगे। यहाँ पर जो है आर स्क्वायर हो गया, एच आपका कितना दिया गया? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या करेंगे? गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 15 और 12 आपका हो गया 180। 180 × 15 करेंगे तो आपका हो जाएगा 180 × 15। तो 15 8 आपका 120 हो गया, यानी कि 15 12 आपका कितना हो गया? 27। यानी कि 2700 ये आपका क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। यानी कि 2700 पाई क्या हो गया? इस सिलेंडर का आयतन होगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है? 78 यानी कि 78 ईयर है। फिर 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:4 हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये जो दिया गया है रेशियो यानी कि अनुपात दिया गया है वो 5 वर्ष बाद का दिया गया है, और यहाँ पर जो उनके वर्तमान आयु का योग कितना दिया गया? 78 वर्ष। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इसके 5 वर्ष के यानी कि पिता और पुत्र के वर्तमान से 5 वर्ष का आयु का योग निकाल सकते हैं। वर्तमान का यहाँ पर पहले कितना दिया गया? 78 साल दिया गया, 78 वर्ष दिया गया पिता और पुत्र की आयु का योग, वर्तमान आयु का योग। अब 5 वर्ष पश्चात यानी कि 5 वर्ष बाद दो व्यक्ति यहाँ पर है, पिता और पुत्र है, तो 5 5 साल पिता यानी कि 5 साल पिता में भी बढ़ेगा, 5 साल पुत्र में भी बढ़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर टोटल कितने बढ़ जाएंगे 5 साल बाद? टोटल योग बढ़ जाएगा 5 5 10 साल बढ़ जाएंगे उनके आयु का योग में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 78+10 यानी कि 88। यानी कि पिता और पुत्र की वर्तमान से 5 वर्ष बाद आयु का योग कितना होगा? 88 साल होगा। और उनके जो है 5 वर्ष के बाद का आयु का अनुपात कितना दिया गया? 7:4। तो इनके जो है अनुपात का यूनिट में योग कितना होगा? तो 7 4 11 यूनिट होगा, और 11 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 88 साल है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 11 से 88 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा? 8 बार में। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 8 साल। पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? पिता की 5 साल बाद की आयु निकालेंगे। तो 5 साल बाद की आयु जो यूनिट में कितनी थी? 7 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 8 है तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 7 56 साल हो जाएगा। लेकिन यह पिता की वर्तमान आयु नहीं है, ये उससे 5 वर्ष बाद का आयु है। तो अगर इसमें 5 साल माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? पिता की वर्तमान आयु आ जाएगी। तो 56 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 51। यानी कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 51 साल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
यहाँ पर दिया गया कि 42, 168 और 210 का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, 42 को जब 168 से भाग देकर देखेंगे तो 42 क्या हो रहा है, 42 168 को पूरी तरीके से काटेगा, कितने बार में, चार बार में। 42 को जब यानी कि 168 को जब 42 से भाग देंगे तो कितने बार में विभाज हो जाएगा, चार बार में विभाज होगा। यानी कि अभी तक फिलहाल एचसीएफ आपका कितना हो रहा है, 400, यानी कि 42 ही आपका एचसीएफ हो रहा है। फिर क्या करेंगे, 42 से ही 210 को भाग करके देखेंगे तो कितने बार में भाग में हो जाएगा, पांच बार में भाग आपका लग जाएगा। यानी कि आपका इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ यानी कि महत्तम कितना आएगा, 42 यानी कि 42 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों संख्या जो बड़ी संख्या वो 42 से पूरी तरीके से कट रही है, और 42 खुद ही जो है क्या होगा, 42 खुद ही खुद से कटेगा। तो यहाँ पर तीनों संख्याओं का एचसीएफ यानी कि महत्तम कितना होगा, 42 यानी कि 42 होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि पाइप V1 एक खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, पाइप V2 उसी टंकी को 16 घंटा में भी भर सकता है, और पाइप V3 जो है उसे उस पूरे भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टैंक कितने समय में पूरी तरह भर जाएंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है पहले बोला गया कि V1 जो टैंक है कितने घंटे में भरते हैं, तो 8 घंटे में भरते हैं। V2 जो है कितने घंटे में भरते हैं, तो 16 घंटे में भरते हैं। V3 जो है कितने घंटे में खाली करते हैं, तो 12 घंटे में खाली करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8, 12 और 16 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेंगे। तो 8, 16 और 12 का एलसीएम कितना होता है, तो 48 होता है। 48 को 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6। 48 को 16 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3। 48 को 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4। यानी कि यहाँ पर से पता चलता है कि पहला टैंक जो है एक घंटे में 6 यूनिट भरता है, दूसरा टैंक जो है एक घंटे में 3 यूनिट भरता है, और तीसरा टैंक जो है एक घंटे में 4 यूनिट खाली करता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तीनों जब खोल दिया जाएगा पाइप तो कितने समय में भरेंगे। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि समय बराबर क्या होता है, कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है, यानी कि टाइम बराबर टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी होता है। तो ये आपका 48 क्या है, टोटल वर्क है, यानी कि कुल काम है, यानी कि इतना ही क्या करना है उस जो है उसके टैंक के द्वारा जो इतना यूनिट ही भरना है। तो जब तीनों को खोल दिया जाएगा तो एक घंटे में कितने यूनिट पहले भरेंगे, तो पहला वाला पाइप है 6 यूनिट भरेगा, दूसरा वाला पाइप 3 यूनिट भरेगा, लेकिन तीसरा वाला पाइप 4 यूनिट खाली करेगा। तो तीनों मिलकर भरेंगे कितना, तो 6 × 3 = 9 भरेंगे, लेकिन उसमें से 4 खाली कर देंगे, तो 9 में से 4 गया तो कितना आएगा, 5। यानी कि तीनों मिलकर हर एक घंटा में 5 यूनिट भरेंगे। तो हमें समय निकालना है, समय बराबर क्या होता है, टोटल वर्क। तो कुल कितना भरना है, तो 48 भरना है, और कितने की कार्य क्षमता से भरेंगे, 5 की कार्य क्षमता से भरेंगे। यानी कि आपका यहाँ पर समय आ गया कि जब तीनों टंकी को एक साथ खोल दिया जाएगा तो 48/5 घंटे में उस पूरे टैंक को भर देंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यह आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन बनाने के लिए बॉर्ड मास थ्योरम आपको पता होना चाहिए, मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ, तो यहाँ पर स्किप करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, ऑफ का हल करेंगे। तो ऑफ का हल करेंगे तो 5 × 5 = 25, 25 × 5 कितना हो जाएगा, 125। और 125 को जब 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पर पहले गुना करेंगे तो 5 × 5 = 25, 25 × 125, 125 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 25। यानी कि 25 क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, प्लस क्या है, 5 है तो प्लस 5 कर देंगे। माइन यहाँ पर क्या है, 6/3 है, 6/3 है तो कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 2 × 4 है, क्या है, 2 × 4 है तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, -8। इतना सारा हल करने पर कितना आ जाएगा, -8। फिर उसके बाद आपका क्या है, प्लस का साइन है तो +2, प्लस ब्रैकेट का हल कर लेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 3/6 है। यानी कि 3 को जब 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1/2, और 1/2 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि 1 आएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 7 = 1 = 8, यानी कि 5 × 2 = 7 = 1 = 8। तो +8 − 8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचा आपका, 25 बचा। यानी कि सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर आपका कितना आंसर आएगा, तो 25 आएगा,
कितना आएगा? 25 आएगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया कि मनीष का वेतन रवि के वेतन का आधा है। तो रवि का वेतन मनीष के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बोला गया कि मनीष का जो वेतन है रवि के वेतन का आधा है, यानी कि अगर मान लें कि रवि का वेतन 2 यूनिट है तो मनीष का वेतन कितना होगा, 1 यूनिट। यहाँ पर आपका रेशियो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि रवि का वेतन से आधा वेतन किसका, मनीष का, यानी कि रवि का वेतन अगर 2 यूनिट है तो मनीष का वेतन कितना होगा, 1 यूनिट होगा। यहाँ पर ये चीज आपका यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि रवि का वेतन मनीष के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर जो है अधिक कितना है, मनीष का वेतन 1 है, मनीष का वेतन 1 यूनिट है, रवि का वेतन 2 यूनिट है। तो कितना ज़्यादा रवि का वेतन है, तो 1 यूनिट ज़्यादा है। और तुलना किससे करने के लिए बोला जा रहा है, मनीष के वेतन से बोल रहा है कितना प्रतिशत, यानी कि हमें तुलना मनीष के वेतन से करना है। तो मनीष का वेतन कितना है, 1 यूनिट। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 100%, यानी कि 100% आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक वर्ग है, यानी कि एक स्क्वायर है, इसके इसकी जो है भुजा की लंबाई कितनी दी गई है, 28 सेंटीमीटर दी गई है, और इसके अंदर क्या एक वृत्त है। यहाँ पर मैंने एक वृत्त बना दिया, सभी जो है क्या होगा, सभी यहाँ पर जो है सभी इसका सर्कमफेरेंस भुजाओं से सटेगी। तो इसके अंदर क्या बन गया, एक सर्कल बन गया, इसके अंदर क्या है, सर्कल है। तो इस सर्कल की हमें पहले क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, तभी हम लोग इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या इसकी कितनी होगी, इसकी जो डायमीटर होगी, इसका जो व्यास होगा वो क्या होगा, इस वर्ग के भुजा के बराबर होगी। जो इस सर्कल का यानी कि इस वृत्त का व्यास होगा इस वर्ग के भुजा के बराबर होगी। तो इसका व्यास जो है कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या जो है किसी भी वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होता है। तो अगर इस वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर होगा, यानी कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या अब हमें पता है, तो सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला पे, तो पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7। त्रिज्या आपकी कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर करना है तो 14 को 2 बार गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपका 7 × 14 हो गया, 14 × 28, 28 × 56, 56 × 6 = 5, 58 × 56 = 56 × 5 आपका कितना हो जाएगा, 56 × 5 = 61 हो जाएगा, यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, इस वृत्त की क्षेत्रफल हो गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई है कि दिया गया डेटा उन विभिन्न घरों की संख्या को दर्शाती है जो उनमें रह रहे बच्चों की संख्या के समरूप है, यानी कि समान है, उनकी जो है संख्या यहाँ पर दर्शाई जाती है। तो यहाँ पर जो है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में इधर जो है आपका क्या दिया गया है, इस तरीके से ग्राफ में दिया गया है, बच्चों की संख्या इधर दी गई है और यहाँ पर जो है घरों की संख्या दी गई है, यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि 8 ऐसे घर हैं जिनमें कोई भी बच्चा नहीं है, यानी कि 0 बच्चों की संख्या, और 7 ऐसे घर हैं जिनमें 1 बच्चा है, 3 ऐसे घर हैं जिनमें 2 बच्चे हैं, 8 ऐसे घर है जिनमें 3 बच्चे हैं, और 4 ऐसे घर है जिनमें 4 बच्चे हैं, ये आपसे ग्राफ में बोला जा रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बच्चों की संख्या के माध यानी कि मीन तथा माध्यिका यानी कि मीडियन के बीच का अंतर यानी कि डिफरेंस क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले माध यानी कि मीन निकालेंगे। तो मीन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि टोटल कितने बच्चे हैं। तो टोटल कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पर 8 बच्चों में तो कोई भी बच्चे नहीं, 8 घर में कोई भी बच्चा नहीं, नीचे 7 घर में 1 बच्चा है, सभी जो है 7 घर में सभी घरों में 1-1 बच्चे है, तो 7 घर में 1-1 बच्चे यानी कि कुल कितने बच्चे हो गए, 7 बच्चे, प्लस 3 ऐसे घर है जिनमें प्रत्येक घर में 2-2 बच्चे है, तो कुल कितने बच्चे हो गए, 3×2 = 6 बच्चे, प्लस
आठ ऐसे घर है जिनमें के प्रत्येक घर में तीन तीन बच्चे हैं, तो कुल कितने बच्चे हो गए, 8 या 24 बच्चे, प्लस चार ऐसे घर है जिनमें प्रत्येक घर में चार चार बच्चे हैं, तो कुल कितने बच्चे हो गए, 4 × 16 बच्चे, यानी कि कुल बच्चों की संख्या कितनी हो गई, 24 × 6 = 30, 30 × 16 = 46, 46 × 7 आपका कितना हो गया, 46 × 7 आपका हो गया 53, यानी कि टोटल जो है बच्चों की संख्या कितनी है, 53 है। हमें क्या चाहिए, माद चाहिए, तो माद चाहिए तो क्या करेंगे, टोटल घरों की संख्या से विभाज्य कर देंगे, टोटल घरों की संख्या से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो टोटल कितने घर है, 8 × 7 = 15, 15 × 3 = 18, 18 × 8 आपका कितना हो गया, 18 × 8 आपका 26 × 4 = 30, तो 30 से भाग करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, माद यानी कि मीन निकल जाएगा, तो माद आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 पॉइंट, तो 3 × 1 आपका कितना हो गया, 3 3, यहाँ पर 2 × 3 = 21, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, ये जो आपका 6 6 चला जाएगा, यानी कि इसे जो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे जो है क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है जो आपका आंसर आना चाहिए वो 2 दशमलव स्थान तक आना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.77 लिख सकते हैं, 2 दशमलव तक, क्योंकि 6 6 आगे चला जाएगा तो 1. हम लोग 7 7 लिख सकते हैं, तो माध आपका कितना आ गया, 1.77। अब हमें क्या चाहिए, माधिका चाहिए, तो माधिका कैसे निकाला जाता है, माधिका सबसे पहले जो भी संख्या होती है उसे हम लोग पहले असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर लेते हैं, तो इस तरीके से जो आप असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना होगा, जैसे कि 8 घरों में कितने 8, पहले 8 घरों में कोई भी बच्चे नहीं, यानी कि बच्चों की संख्या शुरुआत में कितनी है, 8 × 0 है, कितने 8 × 0 है, इस तरीके से 3 3 6 7 1 8, उसके बाद 7 घरों में एक एक बच्चे, यानी कि इस तरीके से जो आपका क्या होगा असेंडिंग ऑर्डर में, इस तरीके से आप सजा सकते हैं, लेकिन आपको परीक्षाओं में इतना नहीं करना है मीडियन निकालने के लिए, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सबसे पहले देखेंगे कि घरों की संख्या कितनी है, घरों की संख्या टोटल 30 है, तो बीच में घरों की संख्या का कौन सा नंबर, यानी कि टोटल जो है 20 घर है, तो बीच का घर जो है कौन सा आएगा, बीच का घर आपका टोटल 30 घर है, तो बीच का घर 15वां घर और 16वां घर आएगा, बीच का घर कौन सा आएगा, 15वां घर और 16वां घर, क्योंकि इधर भी आपका 14 घर हो गया, इधर भी आपका 14 घर हो गया, तो बीच में कौन सा घर आएगा, 15वां घर और 16वां घर, तो 15वां घर में कितने बच्चे थे, 15वां घर में 8 × 7 = 15, यानी कि 15वां जो घर था उनमें कितने बच्चे थे, 1 बच्चे थे, कितने बच्चे थे, 1 बच्चे थे, आज 16वां जो है अब कहाँ आ जाएगा, 16वां घर ये 3 वाले में आपका आ गया, तो 16वां घर में कितने बच्चे थे, तो 2 बच्चे थे, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, माधिका चाहिए, तो माधिका चाहिए तो क्या करेंगे, दोनों का योग करके 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो दोनों का योग कितना होगा, 2 × 1 = 3, माधिका चाहिए तो टोटल कितने, 2 2 घरों से है तो 2 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा माधिका, 1.5, यानी कि 1.5 आएगा, तो ये आपका क्या हो गया, माधिका हो गया, माध भी पता है माधिका भी पता है, दोनों का अंतर पूछा जा रहा है, तो अंतर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे 1.77 से 1.5 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 0.27 होगा, यानी कि माध और माधिका का अंतर कितना है, 0.27 है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन के एक फलक का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालेंगे, घन का आयतन दिया हुआ है तो घन का भुजा निकालेंगे, घन का आयतन का पहले फॉर्मूला क्या होता है, घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब, क्या होता है आपका, भुजा यानी कि साइड का क्यूब होता है घन के आयतन का फॉर्मूला, तो भुजा का क्यूब बराबर टोटल आयतन कितना दिया गया है, 216 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया, तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं उस घन की, तो भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, इधर क्यूब है तो उधर क्या करेंगे, अंडर क्यूब रूट यहाँ पर आ जाएगा, तो 216 किसका क्यूब रूट होता है, 6 × 36 × 216 होता है, यानी कि 6 का क्यूब रूट होता है, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर उस घन की भुजा की लंबाई आ गई, तो पूछा क्या जा रहा है कि घन के फलक यानी कि कोई भी जो घन है उसके एक साइड का क्षेत्रफल, तो कोई भी घन है जैसे कि मैं यहाँ पर आपको घन एक बनाकर बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से बोला जा रहा है, ये आपका घन है, तो घन का एक फलक पूछ रहा है, यानी कि ये मान लीजिए कि नीचे वाले फलक का आपसे एरिया पूछा जा रहा है, तो एक फलक का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा,
कोई भी जो है जो भी घन होती है उसकी सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि ये जो नीचे वाला फलक होगा कैसा होगा, स्क्वायर होगा, यानी कि वर्ग के आकार का होगा। तो किसी वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, भुजा स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, भुजा स्क्वायर कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 636 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इस घन के एक फलक का यानी कि एक जो है पूरे फलक का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि किसी वस्तु पर कमाया गया लाभ 25% है। यदि लाभ को विक्रय मूल्य पर परिकलित किया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं पहले वाली वीडियो में काफी बार बोल चुका हूँ कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है, 100% होता है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में 100% होता है। तो यहां पर बोला गया कि 100% के सामान को 25% के लाभ में बेचा, तो कितने में बेचा होगा, 125% में बेचा होगा। तो 125% आपका क्या हो गया, ये आपका ESP यानी कि विक्रय मूल्य हो गया 125%। तो यहां पर पूछा जा रहा है आपसे कि अगर लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की जाएगी तब आपका लाभ परसेंट क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लाभ कितने का है, 25% का लाभ है, और ESP यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, तो 125% है। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। परसेंट से परसेंट चला गया, 25 से 125 काटेंगे तो 5 बार में चला जाएगा, 5 से 100 काटेंगे तो 20 बार में चला जाएगा। यानी कि अगर लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की जाएगी तो लाभ कितनी होगी, 20%, यानी कि 20% होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर आपका ग्राफ में दिया गया कि नीचे दिए गए वृत्त आरेख केंद्रीय कोण चयनित पैमाने के अनुसार नहीं है। एक होटल में 5 विभिन्न कंपनियों के फ्रिजों की संख्या, फ्रिजों की कुल संख्या के संदर्भ में के प्रतिशत को दर्शाया गया है। यानी कि यहाँ पर प्रतिशत दर्शाया गया कि C1 जो है फ्रिज कितने बेचे गए, कुल मिलाकर 26% बेचे गए। C2 13% बेचे गए। C3 21%, C4 19% और C5 21% बेचे गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि C2 तथा C4 वृत्त खंडों के द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोण के बीच का अंतर यानी कि डिफरेंस कितना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसी भी सर्कल का टोटल डिग्री जो है कुल कितना कोण होता है, तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। कोई भी सर्कल जो है खुद में जो है कितना डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो वही पूछा जा रहा है कि C2 द्वारा, तो C2 द्वारा जो है कितने प्रतिशत फ्रिज बेचे गए, तो C2 कंपनी द्वारा 13% फ्रिज बेचे गए। और C4 द्वारा जो है कितने प्रतिशत फ्रिज बेचे गए, तो 19% फ्रिज बेचे गए हैं। तो दोनों के परसेंट में अंतर कितना है, अंतर ही तो पूछा जा रहा है लेकिन डिग्री में अंतर पूछा जा रहा है। तो पहले परसेंट में अंतर कितना है, तो 19 में से 13 जाएगा तो कितना परसेंट का अंतर है, 6% का अंतर है, जो कि किसके कितने परसेंट यानी कि टोटल कितने डिग्री के, 360 डिग्री के 6% के बराबर उनका अंतर होगा। तो क्या निकालेंगे, 360 का 6%, तो 360 का 6% आपका कितना हो जाएगा, 10 आपका चला गया। 36 कितना होता है, 216, 216 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21.6 डिग्री। यानी कि आपका यहाँ पर आ गया कि C2 और C4 के वृत्त खंडों द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोण के बीच का अंतर 21.6 डिग्री है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में दिया गया है कि 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है, तो समान ब्याज दर से 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले दिया गया कि 800 आपका क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है। 1200 आपका क्या है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन है। 8 वर्ष आपका क्या दिया गया, समय दिया गया। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, आपको पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन होता है।
तो मिश्र धन 1200 है, मूलधन 800 है, अंतर कितना होगा? 1200 माइनस 800 यानी कि 400 रुपये का अंतर होगा। तो ये 400 रुपये आपका क्या हो गया? ब्याज हो गया, जो कि कितने साल में मिलता है? 8 साल में 400 रुपया ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1 साल में कितने रुपया ब्याज मिलता है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर 8 साल में 400 रुपया ब्याज मिलते हैं तो 1 साल का ब्याज निकालने के लिए 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका, 8 से 400 को काटेंगे तो 50 बार में चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चलता है कि 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, तो 50 रुपये। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 6 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। तो अगर 1 साल का साधारण ब्याज 50 रुपये है तो 6 साल का साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 50 × 6 = 300 रुपये। यानी कि 6 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 300 रुपये होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक रेलगाड़ी 100 मीटर तथा 600 मीटर की लंबाई के दो प्लेटफॉर्म को क्रमशः 80 सेकेंड तथा 60 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि उस ट्रेन की लंबाई कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि रेलगाड़ी यानी कि रेलवे की जो लंबाई है वो कितनी है, यक्स मीटर है। क्या मान लिया हम लोगों ने कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितनी मीटर है, यक्स मीटर है। तो हमें जो है क्या करना है, चाल बराबर दूरी बटा समय करना है। तो पहले जो है, पहला जो रेलगाड़ी जो है यानी कि जब शुरुआत में, तो एक प्लेटफॉर्म को पार करता है जिसकी कितनी लंबाई है, 1000 मीटर लंबाई है। तो 1000 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस जो रेल की लंबाई होगी उतनी कुल दूरी से पार करनी होगी। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 1000 + x मीटर की दूरी हो जाएगी, जो कि कितने समय में पार करती है, 80 सेकेंड में पार करती है। तो यहाँ पर ऊपर कुल दूरी, नीचे टोटल समय हो गया, तो क्या निकलेगा, चाल निकलेगा। किसकी चाल निकलेगी, रेलगाड़ी की चाल। फिर आपका क्या है, 600 मीटर दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो उस प्लेटफॉर्म को भी पार करने में ट्रेन की लंबाई भी जो उसमें जुटेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 600 + x दूरी, और कितने समय में पार करता है, 60 सेकेंड में पार करता है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, उसी रेलगाड़ी की चाल हो गई। दोनों क्या है, चाल यानी कि स्पीड है, तो दोनों एक ही गाड़ी की चाल है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हल करेंगे, यक्स का जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो हल कर लेंगे यहाँ पर, 20 × 4 = 80, 20 × 3 = 60, क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 3000 + 3x बराबर आपका हो जाएगा 6 × 2400 + 4x हो जाएगा। तो 4x में 3x जाएगा तो कितना बचेगा, x बराबर 3000 में से 2400 जाएगा तो कितना बचेगा, 600 बचेगा। यानी कि x बराबर कितना आ गया आपका, 600 मीटर। तो रेलवे की लंबाई यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई हम लोगों ने कितनी मानी थी, x मीटर, और x का वैल्यू कितना आया, 600 मीटर। यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो 600 मीटर है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि तीन धनात्मक संख्या यानी कि दो यानी कि तीन जो है पॉजिटिव नंबर का अनुपात कितना है, 3:4:6 है। यदि उनके वर्गों का योग 244 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर यक्ष वैल्यू पुट कर देते ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो हल करने में इसे। तो यहाँ पर बोला सभी संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 244 है। तो क्या करेंगे, सभी संख्याओं का वर्गों का योग करेंगे। एक संख्या कितनी है, 3x है, तो 3x का स्क्वायर करेंगे यानी कि वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3×3 = 9x² हो जाएगा। 4x का स्क्वायर यानी कि वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4×16x² हो जाएगा। 6x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6×36x² हो जाएगा। और तीनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया गया, 244 दिया गया। हल करेंगे यहाँ पर, x का वैल्यू निकालेंगे तो पहले जोड़ेंगे यहाँ पर, 16×9 = 25, 25 × 36 आपका कितना होगा, 25 × 6 आपका हो गया 41, 41 × 30 आपका कितना हो जाएगा, 41 × 30 आपका हो जाएगा 71 सॉरी 71 नहीं होगा 16×9 आपका हो गया 25, 25 × 6 = 31,
इकतीस इकतीस अड़तीस आपका कितना हो जाएगा इकसठ होगा, कितना होगा इकसठ। इकसठ एक्स स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा 244। तो यहाँ पर से क्या होगा, यक्स इकसठ को, इकसठ को जब यानी कि 244 को जब इकसठ से काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, चार बार में चला जाएगा। तो यक्स बराबर आपका कितना वैल्यू आ जाएगा, यक्स स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाकर उधर अंडर रूट भेजेंगे तो अंडर रूट फोर किसका मान होता है, दो का मान होता है। तो यक्स का वैल्यू कितना आ गया, दो। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या अनुपात में जिसका सबसे बड़ा वैल्यू होगा वही जो है क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, छः यक्स है। तो यक्स का वैल्यू अगर दो है तो सबसे बड़ी संख्या छः यक्स है, तो यक्स का वैल्यू अगर दो है तो पूरी संख्या कितनी हो जाएगी, छः दुनी बारह, कितनी हो जाएगी, छः दुनी बारह, यानी कि तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बारह है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो से प्रारंभ करते हुए प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज क्या होगा। तो आपका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, लगातार सम मतलब प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत निकालने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस वन होता है, क्या होता है, n प्लस वन होता है। n आपका क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है, आपका क्या होता है, n बराबर नंबर ऑफ टर्म होता है, यानी कि जितनी सम संख्याएं आई वही आपका क्या होता है, n का मान होता है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला लगातार सम संख्याओं का औसत निकालने का ये फॉर्मूला होता है, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो टोटल जो है कितने सम संख्या है, 15 सम संख्या, उसमें क्या करना है, एक जोड़ेंगे, तो एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 1 = 16, यानी कि प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज कितना होगा, 16 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु पर 20% 20% 30% की क्रमिक तीन जो है क्रमागत छूट दी जाती है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 750 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या होगा उस वस्तु का, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी परसेंट को पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/5 होगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। फिर दूसरा वाला भी छूट 20% है तो उसका भी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगा। तीसरा वाला 30% है तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 3/10 होगा। मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। जैसे कि 20% है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना बार आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 20 से काटेंगे 100 को तो 5 बार में चला जाएगा, यानी कि 20% को हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। उसी तरीके से 20% को 1/5 और 30% को 3/10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से हमें क्या पता चलता है कि कोई वस्तु, 5 यूनिट की कोई वस्तु पर 1 यूनिट का क्या दिया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है। यानी कि पहले उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 5 यूनिट, यानी कि मार्क्ड प्राइस पहले 5 यूनिट था, उस पर 1 यूनिट के छूट पर कितने में बेच दिया गया, पहले बार में 4 यूनिट में बेच दिया गया, यानी कि SP कितना है, 4 यूनिट। तो ये तो पहले बार में, ऐसे कितने बार किया गया, 3 अलग अलग छूट दिए गए। तो दूसरे बार में भी 20%, यानी कि दूसरे बार में भी 5 यूनिट की कोई वस्तु पर 1 यूनिट का छूट में देकर 4 यूनिट में बेचा। लेकिन जब उसी वस्तु पर तीसरे बार छूट दिया जाता है तो उस पर जो है 10 यूनिट की कोई वस्तु की राशि पर 3 यूनिट के छूट में यानी कि 7 यूनिट में उसे बेच दिया जाता है। तो इधर आप गुना करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, मार्क्ड प्राइस का यूनिट में वैल्यू निकलेगा, और जब आप इधर गुना करेंगे तो मार्क्ड प्राइस का आपका यहाँ पर मार्क्ड प्राइस का नहीं, आपका विक्रय मूल्य का यूनिट में वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 5×5 = 25, 10 × 250 रेशियो 4×16 = 16, सत्य आपका कितना हो जाएगा, 112, कितना होगा, 112 होगा। यानी कि यहाँ पर से पता चलता है कि किसी वस्तु का मार्क्ड प्राइस 250 यूनिट है और उसे बेचा कितने में गया, 112 यूनिट में बेचा गया। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस 250 यूनिट, इसी 250 यूनिट के बराबर यहाँ पर रुपये में कितना वैल्यू दिया गया, 750 रुपया दिया गया, यानी कि 250 यूनिट बराबर कितना वैल्यू है, 750 रुपये है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 250 से जब 750 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 3 बार में। तो 1 यूनिट बराबर कितने रुपये है, 3 रुपये। हमें क्या चाहिए,
विक्रय मूल्य चाहिए, यानी कि 112 यूनिट का हमें वैल्यू चाहिए। तो एक यूनिट का वैल्यू अगर 3 रुपये है तो 112 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 में 112 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 11 × 3 = 33। यानी कि उस वस्तु को कितने में बेचा उसने, 336 रुपये में बेचा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हल करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर 12 ऑफ 3 है, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑफ वाले हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 3 = 36। 36 को आप क्या करना है, 6 से भाग करना है, तो 36 को 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी कि यहाँ तक पूरा हल करने पर कितना आ गया, 6। आगे क्या है, +12, तो 12 × 2 है, तो कितना हो जाएगा, 12 × 2, तो 12 × 2 = 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 × 2 = 24। माइनस आगे साइन, तो माइनस दे देंगे, ब्रैकेट का हल कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 8, 8 में से 5 गया तो कितना हो गया आपका, 3। तो ऊपर का हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो कितना आया, 6 + 24 - 3 आया। अब क्या करेंगे, नीचे का सिंप्लीफाई करेंगे, तो 12 को किससे भाग करना है, 3 से भाग करना है। 12 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4, और 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 16। यानी कि यहाँ तक अभी तक जो है कितना आ गया, 16 आ गया। प्लस ब्रैकेट का अंदर का हल कर लेंगे सारा तो कितना आ जाएगा आपका, पहले गुना करेंगे तो 4 × 2 = 8, 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा। अब हल कर लेंगे, यहाँ पर ऊपर जोड़ेंगे तो 24 × 6 = 30, 30 में से 3 गया तो आपका कितना आएगा, 27, और 16 × 3 आपका कितना हो जाएगा, 19। यानी कि इस सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर आपका कितना आंसर आएगा, 27/19। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 6/7 है, तो आप बताइए कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 6/7 है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उस वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात में वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका, CP/SP बराबर आपका कितना हो जाएगा, 6/7। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना यूनिट है, 6 यूनिट, और बेचा कितने में, 7 यूनिट में बेच दिया। यानी कि 6 यूनिट का सामान कितने में बेच दिया, 7 यूनिट में बेच दिया। तो कितने का लाभ हो रहा है, 6 का सामान अगर 7 में बेचेगा तो लाभ 1 यूनिट का हो रहा है। और लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। तो यहाँ तो लाभ हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो हमेशा किस पर निकालेंगे, CP पर निकालेंगे। तो क्रय मूल्य कितना है, 6 यूनिट, परसेंट में वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, पॉइंट में वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 16 × 96, यानी कि आपका लगभग 16.67% आपका क्या आएगा, प्रॉफिट यानी कि लाभ आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन में दिया गया है कि 50 रुपये प्रति केजी मूल्य के 30 केजी चावल को 60 रुपये प्रति केजी मूल्य के 20 केजी चावल के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण का औसत मूल्य कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि कुल जो है कितना रुपये खर्च किया गया टोटल चावल खरीदने में। तो 30 केजी चावल जो है कितना रुपये प्रति केजी से खरीदता है, तो 50 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदता है। तो अगर 1 केजी का दाम 50 रुपये है तो 30 केजी का दाम कितना होगा, तो 50 × 30 करेंगे तो यानी कि 50 × 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1500। यानी कि 1500 रुपये कुल जो है लगा 30 केजी चावल खरीदने में। फिर बोला कि 20 केजी जो है खरीदा, जो कि जिसका दाम कितना है, 60 रुपये प्रति केजी। यानी कि 60 रुपये पर केजी का चावल कितने चावल खरीदा, 20 किलो चावल खरीदा। तो कुल कितना रुपये इसमें खर्च किया, अगर 1 किलो चावल 60 रुपये में खरीदा है तो 20 किलो चावल उसने कितने में खरीदा होगा, तो 60 दूनी यानी कि 60 × 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200। यानी कि 1200 रुपये में खरीदा, जोड़ेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कुल मूल्य जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2700 रुपये। यानी कि कुल चावल को खरीदने में कितना रुपया खर्च किया गया, 2700 रुपया खर्च किया गया। तो हमें औसत मूल्य चाहिए, तो औसत मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत मूल्य निकालने के लिए टोटल जितना केजी चावल खरीदा गया उसे क्या करेंगे, जोड़कर भाग दे देंगे। तो टोटल जो है यहाँ पर 30 केजी खरीदा गया और इधर आपका 20 केजी खरीदा गया, तो टोटल कितने केजी खरीद लिया गया, 30 + 20 यानी कि 50 केजी खरीदा गया। हल करेंगे आपका औसत मूल्य आ जाएगा, तो हल करेंगे यहाँ पर 0 से 0 चला गया, 5 से भाग करेंगे तो 5 × 5 = 25,
दो बचा तो 5 चौक 20, यानी कि औसत मूल्य जो है, औसत चावल का मूल्य कितना है, तो 54 रुपये प्रति केजी है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, तो 5:7:9 है। यदि बैग में कुल राशि 430 रुपये है तो बैग में 25 पैसे की कितने सिक्के थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो में यक्ष भिलो पुट कर देंगे ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर से हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर से पता चलता है कि 1 रुपये के कुल कितने सिक्के हैं, तो 5 यक्ष सिक्के हैं। 1 रुपये के कुल कितने सिक्के हैं, 5 यक्ष सिक्के हैं। तो अगर 1 रुपये के कुल मिलाकर 5 यक्ष सिक्के हैं, तो हमें कुल रुपया निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 रुपया × 5x करेंगे, तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा, 5 यक्ष रुपया। ये 5 यक्ष क्या हो गया, 1 रुपये का टोटल रुपया हो गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 50 पैसा है, तो 50 पैसे को क्या करेंगे, रुपया में चेंज करेंगे। तो 50 पैसे को रुपया में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 रुपया, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 50 पैसे 1/2 रुपया आपका होगा। तो 1/2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 7 यक्ष सिक्के हैं। तो कुल रुपये निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 यक्ष × 1/2, तो कितना हो जाएगा, 7 यक्ष/2, यानी कि कुल कितने रुपये है, 7 यक्ष/2। फिर जो है तीसरे वाले, जो है तीसरे वाले यानी कि 25 पैसे, 25 पैसे को भी रुपये में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 रुपये। कितना हो जाएगा, 1/4 रुपये। तो 1/4 रुपये के कितने सिक्के, 9 सिक्के हैं। तो कुल कितने रुपये हो जाएंगे, 9 यक्ष/4। कितने हो जाएंगे, 9 यक्ष/4। तो ये क्या हो गया, सभी सिक्कों के कुल रुपये हो गए। तो सभी को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल रुपये। टोटल रुपये क्या कितना दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो 430 रुपया दिया गया है। तो हल करेंगे तो यहाँ पर यक्स का वैल्यू यहाँ पर से आ जाएगा। तो हल करेंगे यहाँ पर, एलसीएम आपका 4 होगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 यक्स प्लस 7 दूनी 14 यक्स प्लस आपका 9 यक्स बराबर आपका कितना हो गया, 430। हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 20 और 14 34, 34 और 9 आपका कितना होता है, 43, यानी कि 43 यक्स/4 बराबर कितना होगा, 430 होगा। तो 43 से 430 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 10 बार में, यानी कि यक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा, 40। यक्स बराबर आपका कितना आ गया, 40 आ गया। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी, तो 9 यक्स थी। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी, 9 यक्स थी। तो यक्स का वैल्यू कितना आया, यक्स का वैल्यू यहाँ पर 40 आया है। तो टोटल सिक्का निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 × 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 होगा। यानी कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, टोटल 360 है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहां पर क्वेश्चन में ये जो है ग्राफ है, ग्राफ मैं आपको इस वीडियो में पहले ही समझा चुका हूं। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कंपनी C1 तथा C5 द्वारा होटल की आपूर्ति में किए गए फ्रिजों की संख्या में अंतर कितना है। यहाँ पर जो है टोटल फ्रिजों की संख्या छूटी गई, यहाँ पर जो है छूट गया, तो यहाँ पर जो है टोटल फ्रिजों की संख्या आपके क्वेश्चन में दी हुई थी, आपकी परीक्षा में क्वेश्चन में दी गई थी कि टोटल कितने फ्रिजों की संख्या है, कितनी थी, 3700 थी। इस क्वेश्चन में छूटा हुआ है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि टोटल फ्रिजों की संख्या कितनी है, 3700। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि C1 कंपनी द्वारा और C5 द्वारा जितने जो है फ्रिज बेचे गए उनके फ्रिजों का अंतर कितना है, यानी कि जितने फ्रिज दोनों बेचे उनके फ्रिजों के बेचे गए फ्रिजों का अंतर कितना, यह आपसे पूछा जा रहा। तो सबसे पहले देखेंगे कि दोनों के बेचे गए फ्रिजों का प्रतिशत यानी कि परसेंटेज कितना है। तो C1 कितने फ्रिज, कितने प्रतिशत फ्रिज है, तो 26% फ्रिज जो है बेचे गए C1 के द्वारा, और C5 के द्वारा कितने बेचे गए, तो C5 के द्वारा जो है 21% बेचे गए। कितने बेचे गए, 21% बेचे गए। तो दोनों के प्रतिशत में अंतर यानी कि डिफरेंस कितना होगा, तो 26% - 21% कितना होगा आपका, 5%, यानी कि 5% होगा। तो हमें तो इसी का अंतर चाहिए, यानी कि हमें क्या चाहिए, 5% का वैल्यू चाहिए। तो 5% का वैल्यू किसे निकालेंगे, 3700 का 5% निकालेंगे।
तो 3700 का 5% आपका कितना होगा, हल करेंगे यहाँ पर 5% नीचे 100, 2020 चला गया, 37 × 5 करेंगे तो 7×5 = 35, 3 × 5 = 15, 3 = 18, यानी कि यहाँ पर से हमें पता चलता है कि C1 कंपनी और C5 कंपनी द्वारा बेचे गए फ्रिजों की संख्या का अंतर कितना है, 185 अंतर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ये भी आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि होटल में फ्रिजों की कुल संख्या 3700 है तो कंपनी C5 में फ्रिजों की संख्या कितनी है, किसकी पूछी जा रही है, C5 के फ्रिजों की संख्या कितनी है, तो C5 कंपनी द्वारा कितना फ्रिज बेचा गया था, तो 21% फ्रिज बेचा गया था, यानी कि हमें क्या चाहिए, 3700 का 21% चाहिए। तो 3700 का 21% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 21% 2020 आपका चला गया, 37 × 21 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 21 × 7 = 147, 7 × 14 21 × 3 = 64, 14 आपका कितना हो जाएगा, 77, यानी कि C5 कंपनी द्वारा कुल मिलाकर कितने फ्रिज बेचे गए, तो 777 फ्रिज बेचे गए। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 20,000 रुपये की राशि को 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित किया जाता है, और जो चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है वो कैसा लग रहा है, अर्धवार्षिक लग रहा है, यानी कि कैसा लग रहा है, हाफ ईयरली लग रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष के पश्चात ब्याज जो है कितना होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले निकालेंगे कि अगर 1 साल में 20% ब्याज लगता है तो आधा साल यानी कि हाफ ईयर में जो है कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा। तो अगर पूरे साल में 20% ब्याज लगता है तो आधा साल में कितना ब्याज लगेगा, 10% ब्याज लगेगा, और 2 साल में कुल मिलाकर कितने हाफ ईयरली आते हैं, 1 साल में कुल मिलाकर 2 2 × 6 महीना यानी कि 2 हाफ ईयरली आता है। तो 2 साल में कुल मिलाकर कितने हाफ ईयरली आएंगे, 4 हाफ ईयरली यानी कि 4 अर्धवार्षिक आएंगे। तो यहाँ पर हमें जो है आपको जो है एक चीज़ याद रखना होगा कि जब 10% का 1% में वैल्यू जो है 10% का 1 बार% कितना होता है, 10% होता है। अगर 10% 10% 2 बार हो और उसे 1% में चेंज करना हो तो कितना परसेंट होता है, 21% होता है। 10% 10% 10% 3 बार हो तब उसे 1% में चेंज करना हो तो उसका कितना परसेंट होता है, 33.1% होता है। कितना होता है, 33.1% होता है। जब 10% को 10% 10% 10% 10% यानी कि 10% को 4 बार करना हो तब उसका जो है कितना परसेंट में वैल्यू होता है, तो 4641% वैल्यू होता है। तो ये जो आप हमेशा याद रखिएगा, इस तरीके के प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं आप ये चीज़ याद रखिएगा तो आप इस तरीके के प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं कि 10% का तो 10% हुआ, 2 बार जब दोहराया जाएगा तो 21%, 3 बार जब किया जाएगा तो 33.1%, जब 4 बार किया जाएगा तो 46.1% होगा। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चल जाता है कि 2 साल में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का ब्याज बनेगा, तो 46.41% का ब्याज बनेगा। यानी कि हमें चाहिए क्या, ब्याज चाहिए, यानी कि हमें 20,000 रुपये का 46.41% चाहिए। यहाँ पर क्या करेंगे, 20,000 का 46. यानी कि 46.41% का वैल्यू निकालेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आपका और आ जाएगा, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 2 2 4 0 2 2 4 0 चला गया, गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 4 2 8 41 2 82 46 2 92 हो गया, यानी कि 9282 रुपये आपका क्या होगा, उस 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं, इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।